नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविंद्र और स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक गन्ना किसान हैं और आपका सट्टा बना हुआ है तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपकी पर्ची कब जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में लिखना है ई गन्ना, उसके बाद आप inquiry.canop.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आपको पेज कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको एक जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में फिल करने के बाद आपको व्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नए ऑप्शंस आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से अपना जो ज़िला है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां पे फैक्ट्री का ऑप्शन आएगा, यहां से आपके ज़िले में जो सबसे नज़दीक आपकी फैक्ट्री है जिस पर आपका गन्ना तोला जाता है उस फैक्ट्री पर क्लिक करेंगे। यहां से आपको टिक करने का एक ऑप्शन मिलेगा सर्च वाई कोड का, अगर आपको आपकी ग्राम पंचायत का और आपका किसान का कोड पता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ से सिलेक्ट विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रोअर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने नाम पर अपना जो यूजीसी कोड है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डाटा यहाँ पे ओपन होगा। उससे पहले आपको एक मैसेज दिखाई देगा, अगर आपने अपना घोषणा पत्र भरा है तो भर दें, अन्यथा सट्टा चालू नहीं होगा। ओके बट उसके बाद आप अपनी पर्ची को देखने के लिए यहाँ पे सप्लाई टिकट के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो पर्ची है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपका ये टोकन नंबर है, उसके बाद यहाँ पे कितनी तारीख को ये जारी की गई है वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। गन्ना लाने की जो तिथि है जब आपका गन्ना तोला जाएगा वो यहाँ पे डेट है वो जारी कर दी गई है। उसके बाद यहाँ से आप अब इस टोकन नंबर को नोट करेंगे तो इस पर आपका गन्ना है वो तौल कर दिया जाएगा। यहाँ पे गन्ना कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पूरा कैलेंडर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कितनी पर्ची आपकी हैं इस कैलेंडर में आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, 7 पर्ची हैं। और यहाँ पे कौथा कालम चल रहा है, कौथी फोर्टनाइट में आपकी जो पर्ची है वो जारी की गई है। जैसे कि यहाँ पर अभी 7वीं फोर्टनाइट का नवा कॉलम चल रहा है और यहाँ पे ये पर्ची जारी की गई है। यहाँ पे जो स्टार का हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया है कि यहाँ पे स्टार का क्या मतलब होता है, जब आपकी पर्ची जारी कर दी जाती है तो उस पर एक स्टार टिक होकर आता है। जैसे कि इसी में ये नंबर्स है, इस पर कोई स्टार नहीं है तो ये पर्ची अभी जारी नहीं की गई है। यहाँ पर 14वें कॉलम में ये पर्ची आएगी और यहाँ पे स्टार बन के आ जाएगा। जब ये पर्ची जारी की जाएगी तो आप यहाँ पे सप्लाई टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पर्ची है वो लगा दी जाएगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा जिसका टोकन नंबर ये है और यहाँ पे इसकी जो जारी दिनांक है वो ये है और गन्ना लाने की तिथि ये है। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपकी पर्ची वो कब जारी की गई है और यहाँ पे गन्ना कैलेंडर में स्टार का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।